महादेव, शिव शंभो, शंकर भोलेनाथ, मैं बार बार एक ही प्रार्थना लेकर आता हूँ दाता, मेरी इकलौती बेटी को आंखों की रोशनी दान दे दे। इन अभागन आंखों को रोशन दुनिया की एक ही झलक दिखा के बेनूर क्यों कर दिया प्रभु? आंखों के जाते ही माताजी भी चली गईं, उन दोनों को गए आज पूरे 16 साल हो गए। अब तो बचपन की धुंधली सी याद भी मिट चली भगवान, अपनी रोशनी के सागर से ज्योति की एक छोटी सी बूंद इन आंखों में टपका दो ज्योति स्वरूप। मैं यही भीख मांगने आई हूँ, मुझ अंधी भिखारन की झोली भर दो प्रभु। शिवशंभो शिवशंभो शिवशंभो। तुम कितने अंतर्ज्ञानी हो शिवशंकर, मुझे जोर से भूख लग रही थी। वो देखो भगवान नाराज हो रहे हैं। मंगल नहीं नहीं चलो। हाँ बेटी, कोई महात्मा भजन गा रहा है शायद। चलो दर्शन को। दर्शन को? अजी दर्शन तो क्या मिलेंगे, पत्थर जरूर पड़ेंगे। बड़े बुरे मिजाज के हैं ये साधु। ऐसी धुन के साधु ही परमात्मा के प्यारे होते हैं, देखे तो सही। चलो दूर ही से दर्शन कर लेंगे खड़े खड़े। तुम्हारी मर्जी, मगर संभल कर रहना, दिमाग खराब है उनका। तो मेरा भी दिमाग खराब है। शंभु देखू तो क्या करते हैं। पम पम भोले नाथ से हमको हमको क्या मतलब? क्या हो गया तुम लोगों को? कौन हो तुम? जब देखो कोई ना कोई चला आ रहा है, मुझे भजन भी पूरा कर दे दोगे या नहीं? मैं कहता हूं जाओ, चले जाओ, नहीं तो मार बैठूंगा। समझा, ये साधु नहीं, कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं बेटी, साधु महाराज नाराज हैं और बिगड़ जाएंगे। साधु महाराज होकर अंधों से भी ऐसा बर्ताव? भगवान भगवान पर्वत पे अपना डेरा है, पर्वत पे अपना डेरा है, पर्वत पे डेरा है, पर्वत पे आकाश पे घर सूरज
सूरज पे नजर आकाश पे घर, सूरज पे नजर भगवान इधर भगवान उधर, भगवान इधर भगवान उधर भगवान। जिनको न कभी कुछ आए नजर, जिनको न कभी कुछ दम तो गिर गिर कर चले, चार कदम तो गिर गिर कर उन अंधों को फिर क्या इसकी खबर, भगवान इधर भगवान उधर भगवान इधर भगवान उधर। रह जाते हैं जो तकते तकते, रह जाते हैं जो तकते तकते।